दोस्तों आपने वो गाना तो सुना होगा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कुनबा जिसमें सारा, सोने का बंगला, चंदन का जंगला, विश्वकर्मा के द्वारा अति सुंदर प्यारा प्यारा। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही बंगले की जिसके ओनर हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और भारत के टॉप अमीर कारोबारियों में से एक मुकेश अंबानी। इनकी हर बात खास है, फिर चाहे वो अनंत अंबानी का श्री बालाजी को सफेद हाथी भेंट करना हो, मुकेश अंबानी की बुलेट प्रूफ हाईटेक गाड़ी हो, उनकी बेटी ईशा अंबानी की महंगी शादी हो, या फिर दुनिया में सबसे महंगा घर एंटीलिया। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अंबानी का ये घर एंटीलिया कैसे बना, इस घर में क्या क्या है और इतना शानदार क्यों है। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। 2002 में जब धीरू भाई अंबानी का निधन हुआ तो दोनों भाइयों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में बिजनेस और जायदाद बराबर में बांट दी गई। इसी पैसे को मुकेश अंबानी ने घर में इन्वेस्ट करने का सोचा। मुंबई की आल्टमाउंट रोड पर स्थित एक अनाथ आश्रम को लगभग 21 करोड़ रुपए देकर जमीन खरीद ली गई। यह जमीन 4 लाख स्क्वायर मीटर बड़ी थी। सभी लीगैलिटीज को पूरा करके आखिरकार 2006 में एंटीलिया को बनाने का सफर शुरू हुआ। कहा जाता है कि अटलांटिक ओशन के एक आइलैंड के नाम पर इस घर का नाम एंटीलिया रखा गया। एंटीलिया को किसी ऐसे वैसे नहीं बल्कि शिकागो के मशहूर आर्किटेक्ट पर्किंस एंड विल्स से डिजाइन करवाया गया और ऑस्ट्रेलियन कंस्ट्रक्शन कंपनी लेटन होल्डिंग्स को कंस्ट्रक्शन का काम सौंपा गया। इसका डिजाइन और कंस्ट्रक्शन नीता अंबानी ने अपनी देखरेख में करवाया। दोस्तों आप जानते ही हैं कि एक सुंदर महल जैसा घर बनाने के लिए बहुत खर्चा होता है। अंबानी चाहते थे कि यह इमारत बेहद ऊंची और वेल डिजाइंड हो, अर्थक्वेक और फ्लड्स जैसे नेचुरल डिजास्टर्स को सहने की क्षमता रखती हो। तो जाहिर है इसके लिए नींव भी बाकी घरों के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग रखनी पड़ी। नींव रखने के बाद कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से शुरू हुआ। सुनने में आया है कि अनिल अंबानी ने भी इस घर से बेहतर घर बनाने की सोची। आप जानते ही हैं कि भाइयों की आपस में बनती नहीं थी, तो मुकेश अंबानी ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को एंटीलिया को पूरा रेडी करने के लिए 4 साल का वक्त दिया ताकि अनिल अंबानी अपना घर पहले ना बना ले। इस घर को बनाने में बहुत सी दिक्कतें आई पर फिर भी डेडलाइन के हिसाब से 2010 में एंटीलिया बनकर रेडी हो गया। उस समय पूरी दुनिया में इसे लेकर खूब चर्चा हुई, सुर्खियों में इस घर का बार बार जिक्र हुआ। पर अंबानीज 2010 में ही इस घर में शिफ्ट नहीं हुए। वो नक्षत्रों मुहूर्तों को बहुत मानते हैं, इसलिए फाइनली 2012 में वो एंटीलिया शिफ्ट हुए। बहुत धूमधाम से गृह प्रवेश हुआ। आइए दोस्तों अब आपको इस महल की अंदर की डिटेल्स बताते हैं। एंटीलिया में 27 मंजिलें हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार मुकेश अंबानी के इस घर को बनाने में 1300 करोड़ रुपए लग गए। इस घर में 600 लोग काम करते हैं और उनके रहने का बंदोबस्त भी किया गया है। खास बात यह है कि एंटीलिया के हर कमरे का इंटीरियर दूसरे से अलग दिखता है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि एंटीलिया के हर फ्लोर के लिए अलग अलग मैनेजर्स हैं और इन मैनेजर्स को एक साल की सैलरी में 2 करोड़ दिए जाते हैं। सारे एम्प्लॉयज मैनेजर्स सेंट्रलाइज्ड एसी में रहते हैं, किसी 5-स्टार होटल की तरह। मुकेश अंबानी को गाड़ियों का भी बहुत शौक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंबानी के पास 168 कार्स की कलेक्शन है और एंटीलिया के 27 फ्लोर्स में से पहले 6 फ्लोर्स केवल पार्किंग के लिए बनाए गए हैं। पार्किंग के ऊपर वाले फ्लोर में 50 सीटर सिनेमा हॉल है और उसके ऊपर आउटडोर गार्डन है। इस घर में 3 हेलीपैड भी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पहला ऐसा घर है जहां हेलीपैड हो। मुकेश अंबानी अपनी पत्नी, बच्चों और मां के साथ टॉप फ्लोर से ठीक नीचे वाले फ्लोर में रहते हैं। यहां सभी मेंबर्स के लिए अलग अलग फ्लोर भी हैं। 3 से ज्यादा स्विमिंग पूल हैं, 9 लिफ्ट्स हैं, एक बेहद खूबसूरत मंदिर है जहां गृह प्रवेश के वक्त अंबानीज ने 50 पंडितों से पूजा करवाई थी। योगा स्टूडियो, जिम, स्पा और यहां तक कि आइसक्रीम रूम भी है। इस घर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर कभी अर्थक्वेक आए तो 8 रिक्टर स्केल तक के झटके को भी यह झेल सकता है। तो दोस्तों है ना कमाल का और बेहद शानदार बंगला।
मुंबई शहर के बीच स्थित सपनों की हवेली एंटीलिया की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।